अगर आप बीमार रहते हैं, हल्का हल्का हर समय आपको बुखार रहता है, आपको थूक नहीं बनता है, आपका चेहरा सूखता जा रहा है, एनीमिया की प्रॉब्लम है आपको, तो आप थोड़ा सा एक बार मेरा कहना मान लीजिए, आप राम नाम का जप करना शुरू कर दीजिए। हाथ पैर पे अगर नहा नहीं सकते हैं तो जल छिड़क करके शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान श्री हरि विष्णु का या धनुष बाण धारण किए हुए भगवान श्री राम का ध्यान करके राम राम 108 बार सुबह शाम करना शुरू कर दीजिए। राम राम जब करने से निश्चित रूप से आपके सेहत में सुधार होगा। आपको बताऊं पूजा, छोटी सी एक कहानी बता रहा हूं। दो भाई थे, जिसमें एक बड़ा भागवतिक संत था और दूसरा बहुत बड़ा प्रचंड शराबी था। बड़ा भाई नीचे रहता था, ऊपर भाई दूसरी मंजिल पर रहता था जी। बड़ा भाई साधु संतों को पकड़ पकड़ के अपने घर लाता था और भोजन जिमाता था, उनकी सेवा करता था, उनकी सेवा सहायता करता था। और छोटा भाई अगर पहुंच गया मौके से तो उन साधु संतों को इतनी गालियां देता था कि जिसकी कोई सीमा नहीं जी। एक दिन साधु संतों को पकड़कर बड़ा भाई अपने घर ले आया और खूब आदर सत्कार के साथ सेवा कर रहा था। अयोध्या के साधु संत थे। उसी समय छोटा भाई आ गया। आ गए हैं सब हरामी खाना खाने वाले, सब आ गए हैं अपनी सेवा करवाने वाले, ये है वो है, तमाम अपशब्दों का प्रयोग। तो बड़े महंत ने कहा कि तुम इतने सेवा भावी हो और ये इतना अपमान कर रहा है। कहें महाराज, यही अपमान न करे, इसीलिए तो सेवा कर रहा हूं कि आप लोगों को कृपा से इसके अंदर सुधार हो जाए। बोले, आज तो सुधार इसके अंदर हो ही जाएगा। महंत ने कहा कि आज तो सुधार इसके अंदर हो ही जाएगा। और जब प्रसाद वरसाद पा लिए तो बोले, घंटा घड़ियाल बजाओ। जब घंटा घड़ियाल बजा तो उसने ऊपर से सुन करके सोच लिया कि अब साधु संत गए, और महंत जी जा करके उसके दरवाजे पर खड़े हो गए। और जो उसने दरवाजा खोला त्यों उसको पटक कर महंत जी ऊपर चढ़ गए। बोले, बोल राम, बोल राम। नहीं बोल रहा था, गला दबाए, दाब दूंगा मर जाओगे, बोल राम। बोला राम, फिर बोल राम, फिर बोला राम, छोड़ दिए। कह, जा, अब तेरा काम हो गया। वो मरा, मरने के बाद गया तो चित्रगुप्त के सामने जब बात खुली तो ये हुआ कि इसने पाप तो कई ट्रक किए हैं, लेकिन पुण्य क्या किया है, दो बार राम बोला है, राम नाम जपा। तो भाई राम का क्या इसको फल दिया जाए और ये पाप का क्या फल दिया जाए। धर्मराज फंस गए। ये हुआ ब्रह्मा जी से पूछ लिया जाए। ब्रह्मा जी से पूछा गया, ब्रह्मा जी कहे, मैं कुछ नहीं बता सकता कि राम नाम का दो बार कहने का कितना फल होता है। शिव जी से पूछ लिया जाए, शिव जी ने कहा, मैं तो खुद नहीं जानता हूं कि राम नाम दो बार कह दिया अब इसका कितना बड़ा पुण्य होगा। उससे पूछा गया, तू बता दे क्या पुण्य लेना चाहता है। उसने कहा, हमारा सही से हिसाब किताब कर दो, जो हमारा बनता है हमें दे दो, जो नहीं बनता है वो मत दो। तो ये हुआ कि अच्छा, तो विष्णु के पास चलिए। विष्णु लोक में गए, उन्होंने कहा, भैया मैं राम नाम की महिमा का बात नहीं बता सकता, क्या पुण्य इसका बनता है। तो ये हुआ साकेत में, चलो प्रभु श्री राम के पास। प्रभु श्री राम के पास गए तो प्रभु श्री राम से कहे कि इसने दो बार राम नाम कहा है और इसके करोड़ों पाप हैं। तो बोले, ठीक है, बुलाओ उसको, कहाँ है। उसको भगवान राम ने गोद में बैठा लिया और कहा, इसके सारे पाप माफ़ किए जाते हैं और इसको मतलब अच्छे लोक में भेज दो। जय श्री राम, जय श्री राम। तो दो बार राम अगर जिंदगी में कह लिया, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। अगर भाव से कुभाव से अनायास या आलस्य में भी आपने दो बार राम कह लिया ना, तो जिंदगी बन गई। और जब जान बूझ करके आप राम राम में मगन हैं तो कुछ पूछना ही नहीं है, कुछ पूछना ही नहीं है जी। तो कहने का मतलब, राम लला की झांकी अपने मन में विराजमान करके जो लोग भी राम नाम का जप करेंगे, निश्चित रूप से उनके जीवन के सारे पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी।